तो नमस्कार दोस्तों, यार आप सभी को पता है कि बड़ी खबर मिल रही है कोटा से, जो कि यार दोस्तों देवाजी गुजर की घटना को लेकर, यानी कि दोस्तों 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और उन लोग 9 लोगों के साथ में क्या होना चाहिए, आप सभी एक बार कमेंट करके बताइए। यानी कि यार दोस्तों ये वही 9 लोग है, यानी कि अभी भी बाकी है जो भी लोग है पकड़े जाएंगे। जो दोस्तों यार देवाजी गुजर के जो खास दोस्त था, जिगरी था, जिसका नाम था बाबू गुजर, वो भी यानी कि दोस्तों इस 9 लोगों के अंदर शामिल था। इन 9 लोगों की फोटो आप साइड में देख पा रहे हो, इनके साथ में क्या होना चाहिए। दोस्तों यार ये वही लोग है जिन्होंने हमसे अपने प्यारे समाज सेवी और अपने भगवान जैसे देवा भैया को हमसे भी से छीन लिया। इनके साथ में क्या होना चाहिए, जो भी होना चाहिए अब देखते हैं इनके साथ में क्या होता है। बाकी दोस्तों इन देवा जी भैया के साथ आज उनके जाने के बाद में यार उनके वो पूरा समाज जुड़ा हुआ है, रोकी गुजर और बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने जो अपने समाज के, दूसरे समाज के बहुत सारे हजारों लाखों लोग आज हमसे जुड़े हुए हैं और भैया को जो अपना हक दिलाने के लिए आज जुड़े हुए हैं। दोस्तों यार आगे बात की जाए तो राजस्थान की रग रग में बसने वाले और राजस्थान के हीरो और किंग माने जाने वाले अपने देवाजी भैया, जो कि यार दोस्तों उनकी घटना को लेकर सभी लोगों के अंदर यही सवाल था और सभी लोगों की यही मांगे थी कि जो भी यार वे लोग हैं उनको पकड़ा जाए और जल्द से जल्द पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। दोस्तों यार इसके अंदर, इस पूरी जांच के अंदर चलते हुए 9 लोग शामिल पकड़े गए। बाकी यार दोस्तों इन सभी 9 लोगों का जो लीडर था वह बाबू गुजर था, जो कि यार दोस्तों आप सभी को पता है बाबू गुजर अपने देवा भैया का खास जिगरी था और रात दिन वे साथ रहते थे, साथ रील्स बनाते थे। पर दोस्तों यार धोखेबाज बाबू गुजर ने आज हमारे देवा भैया के साथ ऐसा किया। तो दोस्तों देवाजी भाई साहब तो यानी कि बाबू गुजर को अपना खास जिगरी मानते थे, भाई की तरह मानते थे और सब कुछ यानी कि अच्छा रिश्ता उनसे था बाबू गुजर से, अच्छा मानते थे। पर दोस्तों बाबू गुजर ने अपनी औकात दिखा दी और वही पीठ पीछे जो धोखा करते हैं वैसा अपनी औकात दिखा दी और आज उसकी वजह से आज हमारे बीच में अपने देवा भैया जो प्यारे भाई, अपने राजस्थान की शान और हिंदू धर्म के एकमात्र शेर और राजस्थान की जनता के अंदर सभी से अच्छा व्यवहार बनाने वाले और प्यार बनाने वाले, जो कि यार दोस्तों देवा भैया का व्यवहार और प्यार इतना अच्छा था, उनकी काबिलियत यानी कि जो लोगों के अंदर वे दिलों के अंदर राज करते थे, यानी कि जो भी वे उनसे मिलते थे, यानी बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे महिला हो चाहे कैसा भी हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, वे सभी से इतना प्यार बनाए रखते थे कि आज सभी उनको याद करते हैं क्योंकि दोस्तों आज उन्होंने सबके दिलों पर राज किया है। क्योंकि दोस्तों जब भी देवा गुजर भाई किसी गाँव से निकलते तो उनकी कार को देख कर आसपास के लोगों की फैन फॉलोइंग बढ़ जाती, यानी कि उनसे जितने भी लोग मिलना चाहते थे उनकी लाइन लग जाती थी और लाखों हजारों लोग आज उनसे जुड़े हुए हैं। और पहले भी दोस्तों देवा भैया ने ऐसा प्यार बनाया समाज के अंदर जो कोई भी उनको भूल नहीं सकता है। तो दोस्तों यार उन 9 लोगों के बीच को आज क्या करना चाहिए उनके साथ में, हमें कमेंट जरूर करें। यानी और सभी आप एक बार ये बताइए कि बाबू गुजर के साथ में क्या होना चाहिए। पर दोस्तों यार अभी देवा भैया के साथ दोस्ती में धोखा हुआ है, तो सभी साथियों और सभी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार कमेंट बॉक्स में देवा भैया के लिए लव यू देवा भाई और मिस यू देवा भाई जरूर लिखे। मिलता है अगले वीडियो में, आप भी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय नरसिंह माता, धन्यवाद।